जैसे हमने पूर्व निर्णय किया था, जिसकी कैबिनेट से पुष्टि की गई है, सभी कुलपतियों को अब कुलगुरु के नाते से सरकार के द्वारा संबोधन देने का कैबिनेट ने निर्णय किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। सोमवार 1 जुलाई को मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने गौवंश के अवैध परिवहन को लेकर कड़ा फैसला लिया है। पिछले दिनों सिवनी और प्रदेश के अन्य जिलों से आई खबरों के बाद सीएम मोहन यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 1 जुलाई को कैबिनेट बैठक की थी, जिसमें मोहन मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। इसमें कुलपतियों का नाम बदलकर कुलगुरु रखा गया है, गौ तस्करों के वाहन जब्त करने के आदेश दिए गए हैं और लघु वनोपज से होने वाली आय को विशेष रूप से आदिवासियों के लिए समर्पित करने को कहा गया है। इन सब के साथ ही मंत्री अब अपने वेतन का टैक्स भुगतान खुद करेंगे और खुले बोरवेल पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। मोहन कैबिनेट में फैसला हुआ है कि कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाले टैक्स को अब से मंत्री खुद ही भरेंगे, सरकार इसके लिए कोई पैसा नहीं देगी। तो वहीं सीएम मोहन यादव के फैसले का सभी मंत्रियों ने स्वागत किया है, साथ ही विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई है। इसके अलावा लघु वनोपज से आने वाली कमाई को आदिवासियों पर ही खर्च किया जाएगा, ये राशि कहीं और खर्च नहीं होगी। इसके आगे मोहन सरकार ने बोरवेल खुला रहने को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। अगर बोरवेल खुला छोड़ा तो अब किसी की खैर नहीं होगी। बता दें कि बोरवेल में गिरने की घटनाओं को देखते हुए खुले बोरवेल और नलकूपों पर कैबिनेट ने निर्णय लिया है। साथ ही खनन करने वालों और बोरवेल करवाने वालों को बोरवेल बंद करवाना होगा। अगर प्रशासन बंद करेगा तो बंद बोरवेल का खर्चा देना होगा। तो वहीं आगे गौ तस्करी को रोकने के लिए भी मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि गौवंश के परिवहन में शामिल वाहन अब राजसात किए जाएंगे, यानी कि जब्त कर लिए जाएंगे। अवैध उत्खनन पर भी गौ तस्करों के वाहन राजसात होंगे। तो वहीं इसी के साथ ही बोरवेल बंद करने और गौवंश के अवैध परिवहन को जब्त करने का फैसला लेने वाला MP पहला राज्य बना है। इसके अलावा आगजनी के लिए ओल्ड वल्लभ भवन के लिए 107 करोड़ 27 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पुराना वल्लभ भवन आधुनिक बनाया जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी मध्य प्रदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस MP।